वेलकम टू माई मेडिको नॉलेज टूडे आई मे डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन जब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट वन हम देखते हैं इट एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मीन्स जो कि किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी जो फंक्सन यूनिट का मीन्स जो कि किडनी का बेसिक यूनिट है वो भी नेफ्रॉन ही होता है ओके दैन सेकेंड हम बात करते हैं आल्सो नॉन एज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ऐसे स्ट्रक्चर जो हम लोग को नेक्स्ट आइट से नहीं दिखते हैं मीन्स अपनी नॉर्मल विजन से नहीं दिखते हैं वो होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थर्ड एंड लास्ट बात करते हैं ईच किडनी हैज़ अबाउट वन टू वन पॉइंट थ्री मिलियन नेफ्रॉन हर किडनी के अंदर वन टू वन पॉइंट थ्री मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ये हमारा था इंट्रोडक्शन नेफ्रॉन का अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के बारे में तो उसमें देखते हैं फर्स्ट वन इज रीनल कैप्सूल सेकेंड रीनल ट्यूबुल्स तो फर्स्ट हम बात करते हैं रीनल कैप्सूल के बारे में तो उसमें होता है जो अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं ग्लोमेरस एंड सेकेंड होता है वोमेन कैप्सूल तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लोमेरस ये जो कैब्ररी का नेटवर्क है इसको बोलते हैं ग्लोमेरस और जो वोमेन कैप्सूल है उसको हम उसका हम देखते हैं वर्क इट फिल्टर ब्लड एंड फ्रॉम फिल्ट्रेट ब्लड को फिल्टर करके फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं ओके देन हम सेकेंड बात करते हैं रीनल ट्यूबोल्स इसमें हम इसके अंदर क्या क्या देखते हैं इसके अंदर जो वर्क होता है पी सी टी डी सी टी एंड लूप हैंडल का फिल्ट्रेट फ्लूड पास थ्रो इट जो कि फिल्ट्रेट फ्लूड आ रहा है वो पास करने का वर्क होता है ओके तो फर्स्ट हम देखते हैं ग्लोमेलरोज उसको हम डिस्कस करते हैं इज अ नेटवर्क ऑफ अप टू फिफ्टीन ब्लड कैपलरीज विच काइल ग्लोमेलरोज कैपलरीज मीन्स जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर फिफ्टीन ब्लड कैपलरीज होती है वन ग्लोमेरुलस में ओके okay? सेकेंड हम बात करते हैं दिस कैपलरीज आर फॉर्म्ड बाय फ्रिक्वेंट डिवीजन ऑफ एफरेंट आर्टिल्स मीन्स जो एफरेंट आर्टिल में फ्रिक्वेंट डिवीजन होने के बाद इन कैपलरीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा थर्ड बात करते हैं दिस कैपलरीज आर मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोसीजियम सेल विथ मैनी पोर्ट्स मीन्स जो कैपलरी जो होती हैं वो सिंगल लेयर ऑफ एंडोसिजम सेल की बनी हुई होती हैं देन विथ मैनी पोर्ट्स मीन्स जो बहुत स्मॉल स्मॉल माइनर छेद होते हैं उसी से तो ब्लड फिल्टर होकर यूरन का फॉर्मेशन करेगा ठीक है दीज पोर्ट्स हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन जो पोर्ट्स होंगे वो कैपलरी के अंदर वो ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरन का फॉर्मेशन करेंगे लास्ट है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज अगेंस्ट यूनिट टू फॉर्म एफरेंट आर्टेरियोल्स डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स इज लेस देन एफरेंट आर्टेरियोल्स मींस जो ग्लोमेरुलस uh, की कैपिलरी होगी ये सब मिलकर एफरेंट आर्टेरियोल बनाएंगे देन सेकंड बात करते हैं हम बोमेन कैप्सूल तो फर्स्ट देखते हैं ए डबल वॉल कप दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस कैप्सूल मीन्स जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होती है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं वोमन कैप्सूल सेकेंड देखते हैं फिल्ट्रेड यूरिन फॉर्म गोमेज अगेंस्ट फिल्ट्रेड इन वोमेन कैप्सूल एंड द एट इन रिनल ट्यूबल्स मीन्स ये जो फ़िल्टर यूरिन होगा जो कि ग्लोमेलोराज से फ़िल्टर हुआ है वो वोमेन कैप्सूल में वापस से फिल्टर होगा और वहाँ से फिल्टर होने के बाद फिर जाएगा रिनल ट्यूबल्स में ओके okay? अब हम सेकंड बात करते हैं रीनल ट्यूबल्स के बारे में तो फर्स्ट देखते हैं प्रोक्समल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबल्स पी फर्स्ट देखते हैं इट इज़ अ टाइटली पोर्सन ऑफ ट्यूबल्स आफ्टर वोमन कैप्सूल्स मीन्स जो वोमन कैप्सूल के बाद एक जो ये टाइटली कॉन्ट स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पी सी टी सेकेंड ने वॉल इज मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल लिपिथीलियल सेल्स आल्सो कॉट ब्रश बॉर्डर सेल्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन टू वॉर्ड ल्यूमन टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर्म रिओब्जॉर्पन मीन्स ये जो पी सी टी की बॉल हो बॉल होगी क्योंकि बॉर्डर सेल की बनी होगी और इसके इनर साइड में ब्रश ब्रश बॉर्डर सेल होगा ओके okay. सेकेंड हम बात करते हैं लूप ऑफ हैंडले और दैन इसका सेकेंड नेम होता है मैंडुलरी लूप इसमें फर्स्ट बात करते हैं इट कनेक्ट पी सी टी एंड डी सी टी ये कनेक्ट होती हैं सेकेंड लूप ऑफ हैंडले मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबैडल इपिथीलियर जो लूप ऑफ हैंडले होती है वो सिंगल क्यूबाडल एपिथीलियर का बना होता है थर्ड हम बात करते हैं पार्ट ऑफ नाइफ्रॉन डिप्स इंटू द रीनल मैडोला जो मीन्स ये पार्ट होता है ये रेनल मैंडोला के अंदर आता है इट डि डिवाइड इंटू थ्री पार्ट फर्स्ट वन इज डिक्रीजिंग लूप ऑफ हैंडले हेयर पेंड बैंड असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले थर्ड हम बात करते हैं डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स डीसीटी फर्स्ट देखते हैं दिस टीबुल्स मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपीथीलियम जो डीसीटी सी टी क्यूबैडल सेल के सिंगल लेयर से बना होता है इट्स आल्सो कंटेंट प्रिंसिपल सेल्स विच रेगुलेट बाय ए डी एच टू एब्जॉर्ब वाटर जो जिसके अंदर प्रिंसिपल सेल भी होते हैं रेगुलेट किए जाते हैं ए डी एच के जरिए और रि एब्जॉर्शन का भी काम करते हैं दिस सेगमेंट ओपन्स इन टू द कलेक्शन ट्यूबूज डी सी टी सेगमेंट होता है वो ओपन होता है कलेक्टेड ट्यूब में कलेक्शन ट्यूब में लास्ट हम बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट कलेक्ट यूरन फ्रॉम डी सी टी जो लास्ट पार्ट होता है नेफरॉन का वो कलेक्ट करता है डी सी टी से यूरन को एंड इट कंटेन डी सी टी टू रिनल पेपिला जो रीनल पेपला और डी सी टी को कलेक्ट करता है अगर हमारी वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना थैंक यू